दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे पोल्ट्री फार्म पर। मैंने कुछ टाइम पहले आपसे एक हेल्प मांगी थी और काफी सारे फार्मर भाई ने मेरी वो हेल्प की भी, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने वो हेल्प क्यों मांगी थी आपसे। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक फार्मर भाई है महाराष्ट्र के, उस भाई ने अपनी स्टडी यानी कि पढ़ाई पूरी करके पोल्ट्री फार्मिंग में आने की सोची थी। तो भाई उसने कमेंट करके मुझे बताया था, मैंने उसको अपना नंबर दिया और उस भाई ने फार्म बनाने के बारे में मुझसे जानकारी ली, जैसे कि फार्म की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई में फार्म बनाएं। तो उस भाई को मैंने कहा कि जिस भी खेत में आप अपना फार्म बना रहे हो, जैसे कि हमारा खेत है, इससे फार्म की ऊंचाई लगभग 1 फीट है, तो इतनी ऊंचाई ज़रूर रखे। तो उस भाई ने मुझे कहा कि उनका खेत ही लगभग दूसरे खेतों से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो भाई मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और वो भाई महाराष्ट्र में, तो मैं वहाँ जा करके तो नहीं देख सकता। तो मैंने सोचा भाई जब वो बता रहे हैं तो ठीक ही होगा, अपनी तरफ से जितनी डिटेल प्रोवाइड करनी थी मैंने प्रोवाइड की उसको, और उस भाई ने फार्म तैयार कर लिया 2000 बर्ड का। अब 2000 बर्ड का फार्म बनाने के बाद में चिक्स भी मंगा लिए और अच्छे से ब्रूडिंग भी की लगभग 7 दिन तक, लेकिन 8वें दिन कुछ अलग हो गया उसके फार्म में, जिससे कि पूरा फार्म मतलब नुकसान में चला गया। वहाँ पर क्या है, काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी। अब भाई फार्म के बाहर थोड़ा थोड़ा पानी तो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना। 7 दिन तक ब्रूडिंग करके वो 8वें दिन अपने घर पर सो रहे थे। सुबह में जब वो 8वें दिन अपने फार्म पर गए तो उन्होंने देखा कि फार्म के अंदर लगभग इतनी ऊंचाई तक पानी भर चुका है। अब भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फार्म के बाहर इकट्ठा हुआ हुआ पानी दीवार में थोड़ा थोड़ा रिस करके अंदर चला गया, क्योंकि भाई फार्म गहरे में था नीचे। तो उससे क्या हुआ, जितने भी बर्ड ब्रूडिंग एरिया में थे उनमें तो भाई गीला होने की वजह से कुछ चिक्स तो वहीं पर मर गए, लेकिन कुछ को वो वहां से उठा करके अपने घर पर ले गए। घर पर जब उन्होंने पालना शुरू किया तो भाई छोटे चिक्स को तो देखो थोड़ी बहुत ठंड लगी चाहिए और वो तो भीग चुके थे, तो उसमें छींकने की समस्या और काफ़ी सारे चिक्स सुस्त होकर के मर गए, और कुछ फीड के बैग्स भी गीले होने की वजह से ख़राब हो गए थे, क्योंकि फीड अगर गीला हो जाता है तो उसमें फंगस लग जाती है और वो फीड बाद में पोल्ट्री में इस्तेमाल करने लायक नहीं होता। तो फीड भी ख़राब हुआ, जो फीड के बैग ऊपर रखे थे वो तो बच गए। तो जब वो भाई ज़्यादा ही रोने लगे तो मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा और जो फार्मर भाई हैं वो आपकी मदद कर देंगे। तो उस भाई ने कहा कि आप इस तरह से मेरे नाम से वीडियो ना बनाएं, क्योंकि भाई उससे क्या होगा कि आसपास के एरिया में बदनामी होगी। तो मैंने कहा कि मैं अपने नाम पर बना दूंगा। मैंने अपने नाम पर उस भाई की मदद की और काफ़ी सारे फार्मर भाई ने मुझे जो सपोर्ट किया है ना, मैंने रात रात में ही देखा कि काफ़ी सारी अमाउंट मेरे पास इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने वो सुबह में वीडियो हटा दी। अब मैंने भी अपनी तरफ से काफ़ी सारी अमाउंट उसको दी और वो भाई खुश हो गया, नेक्स्ट बैच उसने मंगाया और चिक्स भी पालने लगा। तो भाई ये सब चीज़ रहती है जो आपको भी ध्यान में रखनी है। मैंने मदद तो कर दी उस भाई की क्योंकि वो मेरे कॉन्टैक्ट में था, अगर वो मेरे कॉन्टैक्ट में ना होता तो भाई फार्म अगर आपका अच्छे से बना होगा तो एक बार को अगर बैच में किसी बीमारी की वजह से नुकसान हो रहा है तो वो तो आप झेल लोगे, लेकिन किसी वजह से फार्म गिर गया या फार्म के अंदर पानी घुस गया तो वो नुकसान आप कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो क्या है सारे ही बर्ड मर जाते हैं लगभग। बारिश में आंधी में फार्म गिर गया तो उससे तो भाई ना फार्म बचा ना उसके अंदर मुर्गे, तो ऐसे से तो ना बनाए तो ही अच्छा है। छोटा बना लीजिए फार्म, वो ज़्यादा बेटर रहता है। 500 चिक्स या 1000 चिक्स से शुरू करिए, 1-2 महीने एक्सपीरियंस ले लीजिए बस, उसके बाद चाहे जितना बिजनेस कर दीजिए आप। तो मैंने इसीलिए पैसे मांगे थे आपसे और मैं बताना आपको उस टाइम पर भी चाहता था, लेकिन उस भाई ने मना की थी तो इसलिए मैंने बताया नहीं था। नेक्स्ट वीडियो शायद रात में आ जाए या फिर कल आ जाएगी। तो आप ध्यान रखिए हमारे चैनल को, चैनल का नाम पोल्ट्री गुरुजी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।